मैम अनम्यूट करिए। यस यस थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरी आवाज है आ रही है सभी को? यस प्लीज कंटिन्यू। या गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत अमेजिंग होने जा रहा है। आज हम बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने वाले हैं। मेरा नाम है करुणा आनंद पचरवार, मैं जलगांव महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और पिछले 4 साल से मोदी केयर को जी रही हूँ। एज अ प्लेटिनम डायरेक्टर लेवल पे हूँ, तो फॉरेन ट्रिप मैंने यहाँ से अचीव किए। हाल ही हम लोग टीम के साथ कॉर्डिला क्रूज घूम के आए हैं और आज हम हमारी डायनेमिक लीडरशिप जो है अनुराधा जी सागर काले, जो श्रीरामपुर से बिलोंग करते हैं, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, आज हम उनको जानेंगे सीखेंगे तंबोला के बारे में। तो मैं उन्हें यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगी कि अनुराधा जी काले मैम प्लीज आइए, वेलकम एंड ओवर टू यू मैम। मेरी आवाज क्लियर है? जी क्लियर है। वेरी गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराधा सागर काले है, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मोदी केयर इंडिया को पिछले 6 सालों से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मोदी केयर करने से पहले मेरी लाइफ कुछ अलग ही थी, क्योंकि हाउसवाइफ का रोल तो प्ले कर रही थी, वो जो हमें हमेशा करना ही होता है। लेकिन उससे पहले मैं एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में लगभग 7 साल का मैंने एक्सपीरियंस लिया है। बाय क्वालिफिकेशन एमसीएम एमबीए, दो दो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है। बहुत अच्छे प्रोफाइल पे मैं एचआर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे थी। 2012 से मैंने जॉब को क्विट कर दिया बिकॉज ऑफ मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। और एक मिनट, मैं वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैंने जॉब को छोड़ दिया। और वैसे फ्रेंड, अगर सच कहूँ तो मैं जॉब को नहीं करना चाहती थी। जॉब में काफी फ्रस्ट्रेशन मुझे आ गई थी, मुझे जॉब को बिल्कुल नहीं करना था, क्योंकि 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक मैं जॉब में बिजी रहती थी और इतना मेरा शेड्यूल टाइट था कि मुझे फैमिली में टाइम देने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता था। बच्चों को किसी और के भरोसे छोड़ना, उनका पालन पोषण नहीं देख पाती थी, बचपना उनका सब मैं मिस कर देती, और यही सारी चीजें मुझे जॉब क्विट करने के लिए मजबूर कर गई। 2012 में हम लोगों ने जब जॉब छोड़ा तो एकदम जीरो लेवल से हम लोगों ने स्टार्ट किया। हमारे टाउन आए, मेरे हस्बैंड ने एक बिजनेस शुरू किया, बहुत अच्छी कंपनी की, एक सैमसंग की, हम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, जिसमें मैं हस्बैंड को हेल्प करती थी अकाउंटिंग में, टैली में, डेटा मैनेजमेंट में मैं हेल्प करती थी। मेरे साथ मेरी भाभी भी रहती थी, जो इस सेशन में भी अवेलेबल है। हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बहुत अच्छे से हेल्प करते थे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं लगने लगा कि अरे, ये काम तो हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन इसमें हमारे सपने कैसे पूरे होंगे, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं होता था। हस्बैंड फुल डे उस एक्टिविटी में एंगेज रहते थे, भैया भी एंगेज रहते थे, कहीं ना कहीं मैं भी एंगेज होती जा रही थी। लेकिन मुझे खुद का कुछ करना था, मेरी आइडेंटिटी मुझे बनानी थी। और मैं जिस टाउन में रहती थी या फिर जिस रूरल एरिया में रहती थी, वहां पे तो बिल्कुल भी मेरी क्वालिफिकेशन रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं अपने आप को वहां पे एक्सपांड कर सकूं। और बिजनेस तो हमारा चल ही रहा था, फैमिली बिजनेस, लेकिन मुझे खुद कुछ करना था। और उसी दरमियान 2018 में मीनाक्षी गोराना मैडम, जो मेरी ग्रेट ग्रेट अपलाइन है, उनके थ्रू ये बिजनेस मुझे इंट्रोड्यूस हुआ। स्टार्टिंग में ये बिजनेस बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम सेशन में बैठे, मुझे सच कहूं तो जबरदस्ती एक सेशन में बिठाया गया। आवाज क्लियर है मेरी? जी ओके तो एक सेशन में मैं जबरदस्ती बैठी और वहां पे जब मैंने अल्पेश सर को सुना तो मेरा विजन क्लियर हो गया कि या दिस इज द बिजनेस जो मैं करना चाहती थी। अपने आप को कुछ एक्सपांड करना चाहती थी, मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे बनेगी। बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे सक्सेसफुल होते हुए देखा, जहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता था, वो शहर से है, गांव से है, मैटर नहीं करता था, वो कौन से फैमिली बैकग्राउंड से, बिल्कुल मैटर नहीं करता था। ये सब जब मैंने देखा तो मैंने कहा यही
वो बिजनेस है जो मैं कर पाऊंगी, मैं फैमिली को भी टाइम दे पाऊंगी, फैमिली को भी बैलेंस कर पाऊंगी। तो ये मैंने करना शुरू किया और आज एक यहाँ से अपनी खुद की कार ले चुकी हूँ, 3 से 4 फॉरेन ट्रिप हो चुकी है और बहुत अच्छी सक्सेसफुल सक्सेस ले चुकी हूँ। एवरेज इनकम 1 लाख रुपए ले रही हूँ, हाईएस्ट चेक मैंने 1.25 लाख का लिया है। यहाँ से लगभग मैंने 90 लाख के आसपास इनकम ली है और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मेरी ग्रेट अपलाइन जो है मीनाक्षी गोराना मैडम, जो हमारे आज के प्रोग्राम का थीम समझाएंगे हमें, उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ी शख्सियत है मीनाक्षी गोराना मैडम और उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो हम उन्हीं की जुबानी उनको सुनेंगे। तो वेलकम है मीनाक्षी मैम, ओवर टू। थैंक यू सो मच अनुराधा जी। सो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल लीडर्स। नाम मीनाक्षी बोराना, बड़ोड़ा से हूँ। और आज की अगर हम लोग प्रोग्राम की थीम की अगर हम लोग बात करें, तो आज हम लोग खेलने वाले हैं तंबोला। तंबोला हम सब जानते हैं, पर हम जैसे नॉर्मली तंबोला खेलते हैं तो बस खेलते हैं और अपने घर चले जाते हैं। पर आज हम एक मजेदार गेम खेलने वाले हैं जिसमें बिजनेस भी होगा, इनकम भी होगी, कार भी आएगी, ट्रिप भी आएगी और तंबोला भी होगा। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो तंबोला है। तो पहले हम लोग तंबोला देखेंगे, तंबोला खेलेंगे कि कैसे तंबोला के थ्रू हम अपने मोदी के बिजनेस को लोगों तक ले जा सकते हैं, लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटी हम लोग तंबोला के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और बड़ा सिंपल सरल है तंबोला, हम सब जानते ही हैं। तो बस उसमें हमें मोदी केयर को ऐड करना है और उसको कैसे ऐड करना है, तो आज हम लोग वो देखेंगे। साथ ही हम कुछ प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट कैसे हेल्प करते हैं हमें, हमारी हेल्थ को, हमारी मनी को, हमारे बजट को, हमारे बैंक बैलेंस को। उसके साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे ये अपॉर्चुनिटी लोगों के लाइफ में परिवर्तन लाती है, कैसे हम अपनी अपने खर्चों को इनकम में बदल सकते हैं। एंड देन साथ में हम लोग सक्सेस स्टोरी भी सुनेंगे। तो ये आज का हमारे प्रोग्राम का थीम है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोदी केयर तंबोला, जिसको प्ले करेंगे, जिसको आगे लेके जाएंगे अनुराधा जी। तो वेलकम एंड ओवर टू यू अनुराधा जी। जी थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम। फ्रेंड आज की हमारी जो टोटल जो सेशन होने वाला है, एक तंबोला जो गेम है जिसके थ्रू हम मोदी केयर बिजनेस को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी मैडम हमने, क्योंकि मोदी केयर बिजनेस ही ऐसा है जो खेलते खेलते हम लोग एंजॉय करके आगे बढ़ाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये बिजनेस आगे बढ़ता जा रहा है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं तंबोला। एक्चुअली ये नाम बहुत अलग है, मैंने भी इसको पहली बार सुना था, लेकिन इसके अगर फायदे हम कहें कि बहुत अच्छे इसके बेनिफिट है और हमें प्रोडक्ट के बारे में इससे पता चल जाता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं तंबोला। क्या मेरे टीम लीडर्स रेडी है सब लोग? यस मैम, हम रेडी है, बहुत एक्साइटिंग भी और एक्साइटेड भी है। यस मैम, एक्साइटेड तो मैम। एक्साइटेड है जी, आप सब लोग अपनी वीडियो ऑन कर दीजिए और अपनी एक्साइटमेंट है दिखाना है, क्योंकि एक्साइटमेंट नहीं रहेगी तो गेम खेलने का कोई अपना मजा नहीं है। तो आपकी एक्साइटमेंट एकदम मैं आप लोगों के टिकट्स आपको मिल गई है क्या? आप अपनी टिकट शो करेंगे प्लीज। जी मैम, टिकट्स थे हमारे पास। यस, अपने अपने टिकट लेके बैठ जाइए फ्रेंड। थोड़ा मैं आपको रूल समझा दूं, इस गेम के रूल बहुत ही सिंपल है और आप लोगों को टिकट दी गई है। अब मैं यहाँ पे कुछ पंच लाइन बोलूंगी प्रोडक्ट की, जिसमें से एक प्रोडक्ट आपको समझ में आएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट है, और ऐसे 4-5 प्रोडक्ट आपकी टिकट में अगर दिख जाते हैं, मान लो मैंने कुछ 8-10 प्रोडक्ट बता दिए और उसमें से 5-6 प्रोडक्ट आपकी टिकट में दिखाई दे रहे, तो आप लोगों को हैंड रेस करना है और हैंड रेस करते ही आपको ये बोलना है कि हाँ मेरी टिकट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। उसी के साथ जो पहले जीतेगा उसको बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है और इसमें नंबर निकाले जाएंगे और इस गेम को हम आगे बढ़ाएंगे एक एक प्रोडक्ट के साथ। तो चलिए शुरू करें इस गेम को। यस यस मैम, मैम। मैम मैं तो यस फर्स्ट टाइम ये यस खेलने जा रही हूँ, मुझे पता नहीं, बट मैं यहाँ से जीत के जाऊंगी। आई एम सो ओके, एक्साइटेड मैम। एक्साइटेड हूँ। वाओ, आज हम तंबोला खेलेंगे। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की एक्साइटमेंट मुझे एकदम क्लियर दिख रही है।
और इसी एक्साइटमेंट को आपको बनाए रखना है, क्योंकि इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है और वो भी एक पंच लाइन के साथ आपके सामने आएगा। क्योंकि देखिए, हम लोग जब होम मीटिंग करते हैं तो हम उस होम मीटिंग में उन प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, लेकिन उसके साथ अगर एक पंच लाइन अगर हम बनाए तो सामने वाले का ध्यान उस प्रोडक्ट पे आ जाता है, उसके यूज हमें समझ में आ जाते हैं और वो लेने के लिए भी मजबूर हो जाता है कि वाह, इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो हम इसको बिल्कुल ले, हाथों में ले, छू कर देखे, टेस्ट भी करके देखे और यूज करे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट आज हमारा है, यहाँ पे स्किन पर लाना है निखार, स्किन पर लाना है निखार, तो अपना लो मोदी केयर का मूड मर्ड बार। वाओ वाओ और ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड, अभी गर्मियां शुरू हो गई है तो स्वेटिंग होगा, चेहरे से ऑयल बाहर आएगा, तो अगर आप इस मीनाक्षी मैम, अनुराधा मैम, नेट का नेटवर्क इशू, आई थिंक लाइट का इशू आ गया है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ थैंक यू सो शायद मच। यस, अनुराधा जी, आप उसके अपना बाद नेटवर्क आता चेक है, कीजिए, मैम आप बीच बीच में आपकी आवाज चली जा रही है, प्लीज चेक योर नेटवर्क। मेरी आवाज क्लियर नहीं अभी आ रही है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। है? ओके, हार्ट को रखना है एक्टिव, तो यूज कर लो मोदी केयर का कार्डियो एक्टिव। हार्ट वाह, को रखना बहुत है पसंद किया, एक्टिव, जबरदस्त। तो यूज कर लो मोदी केयर का कार्डियो एक्टिव। इस कार्डियो एक्टिव से आप आपके हार्ट को एकदम क्लीन करो डेली, यानी डेली इसको लेने से आपकी हार्ट बीट्स बहुत बैलेंस हो जाएगी। और इसको रेगुलर लेना है, हार्ट वाले पेशेंट भी ले और जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं वो भी इसको आराम से ले सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारी वेलनेस की, और ये मैं मेरी मम्मी को रेगुलर दे रही हूँ, जिनकी वजह से उनके हार्ट के जो प्रॉब्लम है बहुत ही नॉर्मल हो गए हैं। बहुत जबरदस्त ये प्रोडक्ट है। ओके, तो थर्ड हमारा प्रोडक्ट है, चेहरे पर लाना हो वाह, ग्लो, तो यूज कर लो मोदी केयर का गो ग्लो, है ना? क्या ये जो बात यस, ये है सही प्रोडक्ट, में ये वाव वाली जो आप लोगों की फीलिंग है ना, सही में इसको आप यूज करते हो चेहरे पे तो ये हाइड्रेटर का भी काम करता है, ये आपकी मेकअप रिमूविंग का भी काम करता है, और चेहरे से अगर मेकअप रिमूव करना हो तो ये इसको आराम से यूज कर सकते हो। और जब इसको लगाते हो, थोड़ा मसाज कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा पानी लगा के वापस मसाज कीजिए, तो ऐसा दूध जैसा आपको लगने लगेगा और ये आपके चेहरे से टैनिंग भी निकालेगा। जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो वो भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं, आपके चेहरे से टैनिंग तो जाएगी लेकिन पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही वाव वाला ये प्रोडक्ट है, वाह, मुझे जबरदस्त तो बहुत प्रोडक्ट, अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं यूज करके देखूंगी। डेफिनेटली बिल्कुल यूज करना ही चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है, अगर हमारे घर को रखना है क्लीन, सिर्फ क्लीन नहीं, वायरस क्लीन रखना है, घर को रखना है वायरस से क्लीन, तो यूज कर लो मोदी केयर का टेरी क्लीन। सबसे बढ़िया वाह, प्रोडक्ट है ये मैम, तो ये सबसे है। बड़ी बात हो गई, घर को क्लीन रखने के लिए, हाइजीनिक रखने के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। और फ्रेंड्स, इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इसको तो कुछ ही ड्रॉप यूज करना है, इसको फिनाइल के जैसा भर भर के नहीं यूज करना है, कुछ ही ड्रॉप्स आपके पानी में डालो, इससे पोछा मारो, सारे वायरस क्लीन हो जाएंगे घर से, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, सारे बैक्टीरिया, वो सारा क्लीन हो जाएगा। और हम लोगों ने कोरोना में इसका एक फलों को धोने के लिए, सब्जियों को धोने के लिए भी इसको यूज किया था, तो ये सारे कीटाणुओं को दूर भगाता है। तो ऐसा है हमारा जबरदस्त वाला स्टेरी क्लीन। आई होप आपकी टिकट में ये सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे और मुझे आपके चेहरे इतने स्माइली दिख रहे हैं, एक एक प्रोडक्ट को यस देख के मैम, आप लोग बहुत को मजा आ इतना रहा है, मजा आ रहा होगा। यस बहुत यस यस, ज्यादा बिल्कुल अनुराधा आपके चेहरे मैम, को बहुत देख के लग ही ज्यादा। रहा है। शरीर को करना है टॉक्सिन फ्री,
शरीर को करना है टॉक्सिन फ्री, यूज कर लो हमारी मोदी केयर की ग्रीन टी, क्या है बात है, वाह, मेरे मेरे सारे फाइव यस पड़ोस हो गए, मेरी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई मैम, मेरी वाह फाइव ओके पड़ोस फर्स्ट लाइन यस कंप्लीट। कांग्रेचुलेशंस थैंक यू बहुत मजा आ रहा है कांग्रेचुलेशंस इसमें। थैंक जी यू, करुणा जी, आपके लिए मैंने एक जबरदस्त प्रोडक्ट गिफ्ट में रखा है, ये है आपका फ्री वाला प्रोडक्ट सोफ थैंक वॉश, वाइट पल्स सोफ वॉश। यू, थैंक यू मैम। और करुणा जी ये जो प्रोडक्ट है ना, ये तीन काम करता है, मॉइस्चराइजेशन देगा, प्रोटेक्शन देगा, डियोड्राइज भी करेगा, और हर सीजन में आपको इसको यूज कर सकते हो, बच्चों के लिए सबके लिए एक ही सोप है, सबके लिए अलग अलग यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, और स्वेटिंग को भी ये कम करता है, और आपकी स्किन में भी जर्म्स होंगे वो सारे निकाले, बहुत सारे काम ये व्हाइट पल्स सोप वॉश करता है, तो है ना ये बेहतरीन प्रोडक्ट करुणा जी। यस, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हो गई यस यस, दिख रही है आपकी खुशी यहाँ पे झलक रही है, बिल्कुल मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ ये गेम खेलने में। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा है स्किन की टैनिंग को है हटाना, स्किन की टैनिंग को है हटाना, तो मोदी केयर का डी टैन ही अपनाना, जबरदस्त तो ये हमारा जबरदस्त। डी टैन फेस पैक यस बहुत जबरदस्त है, क्योंकि देखिए अभी तो सीजन है फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं और हम लोग डेमो करने के लिए बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, हमारी स्किन पे टैनिंग भी आएगी, कितना भी हम प्रोटेक्ट करेंगे स्किन को लेकिन टैनिंग तो आएगी, लेकिन हफ्ते में 2 बार इसको यूज करना है, क्योंकि ये टैनिंग को हटाने का काम करता है, ये फेस पैक है, तो है ना हाँ, ये जबरदस्त प्रोडक्ट, मैं भी इसको बहुत यूज करती हूँ जबरदस्त, रेगुलरली और टैनिंग को हटाती हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है फ्रेंड, बीमारियों का करना है सर्वनाश, तो अपना लो मोदी केयर का चवन प्राश, बीमारियों का करना है सर्वनाश तो अपना लो मोदी केयर का चवन प्राश। मैम चवन मेरी हो गई सेकंड लाइन, थर्ड लाइन कंप्लीट हो गई। यस, वाओ कांग्रेचुलेशंस सेवन कॉमन के साथ मेरी थर्ड लाइन कंप्लीट कांग्रेचुलेशंस हो गई। जी, त्रुषा जी है कॉन्ग्रेचुलेशन, थर्ड सेकंड सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई, त्रुषा जी आपकी हो लाइन गई, मैम, थर्ड लाइन वेरी गुड वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस मैम, मैम आप थैंक यू मैम। जी 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 अर्चना जी बोलिए। मैम आप जो प्रोडक्ट का नॉलेज दे रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारे बचपन के दिन याद आ गए हमें, और हमें इतना मजा आ रहा है, इतना एक्साइटमेंट हो रही है कि क्या बताएं आपको। यस 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 बिल्कुल, त्रुषा जी आपके लिए मैंने ये प्रोडक्ट रखा है गिफ्ट के लिए, त्रुषा जी ये जो क्या प्रोडक्ट है, बात है, थैंक यस यू ये सो मच हमारे मैम। फेस, यस वेलकम मैम वेलकम, जैसे आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है जैसे आप पेस्ट करोगे तो हमारे दांतों के ऊपर जो भी बैक्टीरिया होंगे, बार बार ऐसे लगेगा नहीं कि मैं बार बार ब्रश करूं, मुंह में जो भी छाले आते हैं, बहुत सारे लोगों को कोई केमिकल वाली पेस्ट अगर यूज करते हैं तो छाले आने की संभावना होती है, लेकिन ये मेडिकेटेड पेस्ट है, इससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, पायोरिया का प्रॉब्लम तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है और बैड स्मेल नहीं आएगी, तो ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है और बच्चों के लिए तो बहुत ही सेफ है, जैसे डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कोई प्रोडक्ट के लिए बच्चों के लिए जो मेडिकेटेड होता है, तो ये वाला पेस्ट है, आप आराम से बच्चों को भी इसको दे सकते हो, है ना ये वाव वाला मैम प्रोडक्ट, मैं बहुत, कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक त्रुषा जी बहुत बहुत यू बधाई हो सो मच आपको। मैम, मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज ऑफ मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो इसका सोल्यूशन मुझे आज तो फ्री में मिल गया एज ए गिफ्ट, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मैम बहुत मजा यस आया, यस और यस यस आपकी मेरी खुशी सिस्टर दिख रही है का मैम, बोला सबको गिफ्ट मिल मजा आ गया, रहा मुझे है ना, भी गिफ्ट मिलना चाहिए, मैं भी जीत के ही रहूंगी। बिल्कुल 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 सबको गिफ्ट मिलेगा और सब लोग आप इतना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हो तो डेफिनेटली गिफ्ट तो मिलने ही वाला है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, फेस के एलिगेंस को है बढ़ाना तो मोदी केयर की लिक्विड लिपस्टिक ही अपनाना,
है ना, कितनी मस्त लिपस्टिक है देखो, इसका शेड भी कितना जबरदस्त है, ये बहुत सही बढ़िया मैम, मिले। बहुत बढ़िया। यस यस, देखो फ्रेंड गर्मियों में ना दूसरी वाली लिपस्टिक जो है ना वो स्प्रेड हो जाती है, लेकिन ये लिक्विड लिपस्टिक है ना ये बिल्कुल भी हटेगी नहीं, आप इसको कितना भी निकालने की कोशिश करो, जब तक आप मेकअप रिमूवर नहीं यूज करोगे ये निकलेगी नहीं, इतनी जबरदस्त है और सही में हमारे फेस के एलिगेंस को बढ़ाएगी। तो ये सही में जबरदस्त लिपस्टिक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, हमारा अगला वाला जो प्रोडक्ट है वो है सिल्वर को करे क्लीन इन जस्ट सिंगल डिप, सिल्वर को करे क्लीन इन जस्ट सिंगल डिप, और वो है हमारा मोदी केयर का सिल्वर क्या डिप। बात है मैम, क्या बात है, बहुत हो सुंदर। गई है, अरे वाह। यस यस फ्रेंड, इसको क्या करना है, कुछ चांदी का जो भी होगा इस कोई भी आप प्रोडक्ट लीजिए, इसमें डालिए और इसको सिर्फ डिप करना है और साफ पानी में इसको धो देना है, सारे कालेपन को निकाल देगा और ये इतना क्लीन करता है, और इसको एक बार लिया तो बार बार लेने की जरूरत नहीं, इतना जबरदस्त ये प्रोडक्ट है, बहुत मस्त, बहुत मजा आ रहा है, आप लोगों के नंबर भी आ रहे हैं तो आप लोगों के नंबर। मैं इसको लेना चाहूंगी, मुझे बहुत मजा आ रहा है, ये प्रोडक्ट देख के भी ऐसा लग रहा है ये चांदी भी चमकाएगा, शायद किस्मत भी चमकाएगा, तो बहुत अमेजिंग लग रहा है प्रोडक्ट। थैंक यू मैम। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने सिल्वर को क्लीन कर लिया, चलिए अभी हम थोड़ा अपने चेहरे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है स्मूथ मेकअप बेस है बनाना, स्मूथ मेकअप बेस है बनाना, तो मोदी केयर का प्राइमर ही अपनाना। वाह वाह यस, ये जो वाला प्राइमर प्रोडक्ट है है ना मैम, सही में वाव वाला प्रोडक्ट है, इतना स्मूथ है, किसी को भी आप दिखाओगे ना वो पहले इसकी स्मूथनेस को देखता है, आपको मेकअप करना हो सबसे पहले प्राइमर को लगाओ फिर मेकअप करो, फिर आपकी स्किन का ग्लो देखोगे, वाओ मेरा मेकअप तो इसमें बहुत फिट बैठ गया, इतना वाओ वाला ये प्रोडक्ट है, बहुत मजा आ रहा है, सही में बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, निरोगी काया है अपनाना, निरोगी काया है सॉरी निरोगी काया है पाना, तो मोदी केयर का फेयरनेस क्रीम ही अपनाना, वाह, ये भी वाव सुन तो वाला मिल गया प्रोडक्ट मैम, है, सुन हर प्रोडक्ट के लिए आपकी नंबर तरफ से वाव वाले कमेंट मैम, आ रहे हैं, हर प्रोडक्ट के लिए वाव वाले कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल वाव वाले प्रोडक्ट है ये। मेरा हाउसिंग कंप्लीट हो गया, मैं जीत गई, वाव अर्चना जी वे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जीत गए, बहुत जबरदस्त, चलो मैं आपके लिए भी गिफ्ट रेडी कर रही हूँ मैम, तो आपके लिए मैंने लाया है ये वाला गिफ्ट, ये है हमारा धन्यवाद, मोदी केयर का परफ्यूम बॉडी टैल्क, और इन दिनों में गर्मियों में इसकी खास जरूरत पड़ेगी आपको, कैसा लगेगा मैडम ये प्रोडक्ट आपके पास आएगा तो अर्चना जी। मैं तो बहुत खुश हो तो गई बहुत मैम, ये गेम खेलते खेलते मुझे इतना मजा आ रहा खुशी था, और अभी इसमें जो गिफ्ट मिल गया हो तो मुझे इतनी खुशी हो रही है जैसे अभी मैं आपको बता नहीं रही सकती। और ये जो प्रोडक्ट आपने दिखाया मुझे, है टैल्कम पाउडर, गर्मियों में हमें खुशबूदार रखता है, पसीने से बचाता है, कितना बढ़िया प्रोडक्ट है, थैंक यू सो मच मैम। यस यस। तो चलिए फ्रेंड बहुत मजा आ रहा है, खेल खेल मोदी केयर करते, तो खेल ही खेल में मोदी केयर करते करते तो बहुत मजा आ रहा है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा वेट कर रहा है, वो है हमारा इम्यूनिटी से भर दे झोली, इम्यूनिटी से भर दे झोली, रोज सिर्फ मोदी केयर विटामिन सी की एक गोली, इम्यूनिटी रोज मोदी केयर विटामिन सी की बहुत एक एक गोली, तो ये हमारी विटामिन सी के लेवल को बढ़ाता है, जो हमारी बॉडी में जो प्रतिकार शक्ति होती है इम्यूनिटी पावर उसको बढ़ाने का ये काम करता है, कोई भी बाहर से हमारे ऊपर जो हमला करता है कोई भी वायरस हो बैक्टीरिया, तो सबसे पहले विटामिन सी उसकी रोकथाम करता है, तो शरीर में विटामिन सी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रोज एक गोली हमें लेना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों के टिकट्स में ये प्रोडक्ट झलक रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों की खुशी, एक एक प्रोडक्ट जब मैं बोलती जा रही हूँ और मैं आप लोगों के चेहरे को देख रही हूँ तो ऐसे ऐसे आप लोग कर रहे हो, आपकी जो आईब्रोज है वो ऊपर हो रही है वो मुझे दिख रहा है, तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अनुराधा बढ़ते जी, हैं,
मेघा मेघा यस जी की थर्ड लाइन कंप्लीट हो चुकी थी और उनका फ्री गिफ्ट रह गया है। हाँ और मेघा जी जो प्रोडक्ट्स आप बता रहे हैं, तो जैसा आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, क्या वैसे इसके डेमो भी अवेलेबल है? तो अगर डेमो भी दिखा दीजिए हमें। यस मैम, डेफिनेटली डेमो तो अवेलेबल है ही, लेकिन मैं मेघा जी को, कोई बात नहीं मेघा जी, आपका गिफ्ट मैंने तब नहीं बताया, अब मैं आपको गिफ्ट देने वाली हूँ। आपके लिए मैंने बहुत अच्छा एक गिफ्ट डिसाइड किया है, आपको मिलेगा D10 वाला फेस पैक। वाह मैम, अभी गोवा जाके बहुत टैनिंग हो गया है। थैंक यू वेरी मच यस मैम। बहुत यस यस, मजा आया बिल्कुल मैम। यस यस यस। चलो आप लोगों को गिफ्ट भी मिलते जा रहे हैं, आप लोग गेम भी खेलते जा रहे हो, कितना मजा आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। मैम हम लोग जी डेमोस्ट्रेशन ले मैम, हम लेते हैं लोग अब। हाँ डेमो देखना चाहते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो अनुराधा जी, हमें डेमो भी देखना है। हमारी तो इच्छा डेमो देखने की हो रही है अब। डेमो वाले पार्टनर्स अच्छा रेडी है तो हम लोग डेमो तो देखेंगे ही मैम। दो तीन प्रोडक्ट बाकी है हमारे, क्या वो कर ले या पहले डेमो देखें? हम डेमो देख लेते हैं। प्रोडक्ट तो आपने इतनी अच्छे से बताया कि हमारा ऐसा मन हो रहा है भी भाग के जाए और प्रोडक्ट लेकर आए। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हमारे कुछ पार्टनर्स हैं जो हमें डेमो दिखा के इन प्रोडक्ट को और अच्छे से जैसा इंट्रोड्यूस करेंगे, वो उसके कि क्वालिटीज बताएंगे, उसके बेनिफिट्स मैं बताएंगे और उस प्रोडक्ट को हमारे सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए बहुत मैं यहाँ पे वेलकम करती हूँ हमारे कुछ लीडर्स हैं जो यहाँ पे डेमो दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रही हूँ हिना जी बागवान। हिना जी बागवान हमें कुछ प्रोडक्ट्स के डेमो दिखाएंगे। मैम आपको समय का भी ध्यान रखना है, फटाफट अपने प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कीजिए, डेमो दिखाइए। वेलकम हिना जी। यस मैम। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम हीना भागवान है। आज मैं ग्लो ग्लो जो स्किन में मॉइस्चराइज करने का क्लींजर है, मेकअप रिमूवर है, ग्लो है, हम लोग लगाते हैं। बाय चांस हमें इमरजेंसी कहीं जाना हो और हम पार्लर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग ये इससे क्लीन अप कर सकते हैं। मेकअप रिमूवर भी का काम करता है और क्लीन अप का भी काम करता है। तो देखिए, ये ऑयली बेस है। ये लगाने पर के बाद ऑयल ऑयल जैसा लगता है, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी लगाकर अगर हम लोग मिलकर हो सकता है। तो देखिए, चला है और ये डीप क्लीन करता है, मॉइस्ट करता है और स्किन में ग्लो लाता है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। क्या बात है, देखिए फ्रेंड्स, देखिए दिख रहा है ना? यस सुपर। डेमो देख के लग रहा है कि आज ही ऑर्डर करना पड़ेगा गोग्लो। जी चलिए आगे बिल्कुल अनुराधा जी। यस, आगे सही में प्रोडक्ट देख के, प्रोडक्ट के डेमो देख के हमें लग रहा है कि इस प्रोडक्ट को अभी के अभी ले ले और यूज कर ले। आई होप जितने भी लोग इस मीटिंग में, सबको ऐसे ही लग रहा होगा। और चलिए आगे मैं इनवाइट करती हूँ हमारे नेक्स्ट लीडर हैं यहाँ पे अर्चना जी। अर्चना जी पाटिल हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट के डेमो दिखाएंगे। अर्चना जी ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम अर्चना पाटिल है, जलगांव महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और पिछले 3 सालों से मोदी केयर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ मोदी केयर के कुछ अमेजिंग प्रोडक्ट्स, जिनको अगर हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते तो हमारी लाइफ कैसे बदल सकती है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है मेरा, वो है अपना स्टेरिक क्लीन। क्या मेरी आवाज और मेरा वीडियो क्लियर है मैम? यस यस कंटिन्यू प्लीज। तो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ एक अपना बढ़िया प्रोडक्ट स्टेरिक क्लीन। तो उसको दिखाने के लिए मैं 2 ग्लास लिए, उसमें मैंने कुछ बैक्टीरिया, जैसे हम सब घर की साफ सफाई हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, वो करने के लिए हमें जो जितना टाइम जाता है हम लेडीज लोगों का, तो उसको हम कितने आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके बता रही हूँ। ये मैंने नील के कुछ ड्रॉप्स डाले, ये अपने बैक्टीरिया का प्रतीक है, इसकी वजह से मैंने इसका इस्तेमाल किया। और हम साफ सफाई करने के लिए मार्केट के जो प्रोडक्ट लाते हैं, क्या वो सच में काम करते हैं, आज हम देखेंगे। और ये मैंने मार्केट का एक प्रोडक्ट लिया है,
अब मैं देखिए फ्रेंड्स, मैं कितना पूरा ढक्कन भर के एक गिलास में डाल रही हूँ। क्या ये अमेजिंग प्रोडक्ट है, क्या ये काम करेगा, आज हम देखेंगे। और उसके सामने है अपना मोदी केयर का स्टेरिक्लीन, और ये कितना बढ़िया प्रोडक्ट है ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। क्योंकि इसका जो बीकेसी है दोस्तों, बीकेसी है सिर्फ बीकेसी है 12%। 12% होने की वजह से देखिए कि कितने कम ड्रॉप्स में मैं इसका इस्तेमाल करके आपको फर्श चमका कर दिखाऊंगी। देखिए मैंने कितने कम ड्रॉप्स डाले, क्योंकि इसका बीकेसी हाई होने की वजह से कम ड्रॉप्स में भी अपना काम कर जाता है। और साथ साथ देखिए आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा कि ये मार्केट का प्रोडक्ट मैंने डाला है। देखिए एक ढक्कन भर के इसमें कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे मैंने मोदी केयर का अपना स्टेरिक्लीन डाला, देखिए कितना अमेजिंग बढ़िया प्रोडक्ट है अपना, कि सिर्फ चार चार बूंदों में इसने पूरे फर्श साफ कर दिए। स्टेरिक्लीन, क्या बात। स्टेरिक्लीन जो प्रोडक्ट है ये आपकी सिर्फ फर्श ही नहीं चमकाता, अपनी किस्मत को भी चमकाता है। देखिए कितना बढ़िया प्रोडक्ट है। तो हमें, हम सबको घर में जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, हम जबरदस्त, सबको करना चाहिए। वाओ, बहुत और दूसरा जो जबरदस्त, प्रोडक्ट है बढ़िया। दोस्तों मेरे पास है वो है, जैसे अभी हमने देखा कि हमने घर घर की मतलब सफाई साफ सफाई तो कर ली, लेकिन हमारे अर्चना जी म्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके मैम, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ यस। रही। ओके ओके मैम। तो जैसे अभी हमने देखा स्टेरिक्लीन से हमारे घर की फर्श कितनी चमक गई, वैसे ही हमारी हड्डियों में जो ताकत आती है वो किससे आती है, वो देखने के लिए मैं आपके सामने एक डेमो प्रेजेंट कर रही हूँ। अब मैंने दो गिलास लिए, उसमें मैं हमारे शरीर में जैसे आमला होता है तो उसका प्रतीक के रूप में मैं विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये विनेगर के कुछ ड्रॉप्स मैंने इसमें डाले। होता क्या है दोस्तों, हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है हमारे शरीर में से कैल्शियम की कमी हो जाती है, लेकिन हमें बहुत देर से ये बात समझ में आती है, और हम कुछ पेन किलर लेके लेकर हम अपना काम चला लेते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो वो किस तरह से अगर पूरी करते हैं, अगर हम मार्केट का कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये मैंने मार्केट का एक प्रोडक्ट लिया है, वो जब मैं इस गिलास में ये गोली जब मैं इस गिलास में डालती हूँ, तो हम देखेंगे दोस्तों की क्या रिएक्शन हो रही है। और ये है अपना मोदी केयर का अमेजिंग प्रोडक्ट कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या है, सबसे जरूरी बात है कि इसमें कैल्शियम सिट्रेट है। मार्केट के प्रोडक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से देखिए कैसा इसमें हमें दिखाई दे रहा है, कि एक झाग जैसा हमारे गिलास के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। ये क्यों? क्योंकि वो जब हमारे शरीर में जाता है तो झाग में परिवर्तित हो जाता है। इसी वजह से डॉक्टर हमेशा जब भी कैल्शियम की गोलियां देते हैं, तो उसके साथ साथ अपने एसिडिटी की गोलियां भी देते हैं। अब मैं अपने दूसरे गिलास में डालने जा रही हूँ मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। अब देखिए दोस्तों आपके सामने फर्क दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है मार्केट का, ये जब जब मैंने गिलास में डालना शुरू किया, तो जैसे डालते ही उसमें झाग आना शुरू हो गया। ये प्रोसेस हमारे शरीर में होती रहती है, हमें पता नहीं होता। इसी वजह से हम बहुत बार ऐसा लगता है कि पेट में भारीपन हो रहा है, या हमें खाना हजम नहीं हो रहा है, हमें ऐसी तकलीफ होती है, लेकिन उसका सही रीजन हमें पता नहीं होता। तो उसका सही रीजन ये है कि कार्बोनेट होने की वजह से वो झाग आता है, लेकिन अपना जो मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है उसमें सारे तत्व है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, तो उसकी वजह से क्या, और कैल्शियम सिट्रेट की वजह से वो क्या होता है, हमारी हड्डियों में जल्दी घुल जाता है। देखिए इसमें आपको फर्क दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ हमारी हड्डियों में घुलने का काम कर रहा है। तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी दोस्तों कि कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है हमारे हड्डियों की जान और हमारे मोदी केयर की शान। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स आज ही सबने लेना शुरू करना चाहिए, क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद हमें सबको इसकी जरूरत होती है। तो आई होप आज के जो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको दिखाए आप लोगों को पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच मैम मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच अर्चना जी। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हर वो प्रोडक्ट दिखाए और उसका विश्लेषण भी बहुत अच्छे से आपने किया। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं मेरे लीडर को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी, रेणुका जी कुलकर्णी, जो हम एक प्रोडक्ट का डेमो दिखाएंगे। वेलकम रेणुका जी एंड ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम रेणुका कुलकर्णी है, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, डीपी ओनर हूँ।
एज अ सीनियर डायरेक्टर हूँ, और अभी हाल ही में मैं कॉर्डिलिया क्रूज क्वालिफाई करके टीम के और परिवार के साथ होके आई हूँ, और बहुत सारे इंजॉयमेंट करके आई हूँ। और आज मुझे आपको बताना है सिल्वर डिप के बारे में। ये जो सिल्वर डिप है, हमारे घर में जो चांदी के बर्तन वगैरह होते हैं, चांदी की मूर्तियां होती है, वो थोड़े थोड़े दिन में काली पड़ जाती है, और हमें समस्या बन जाती है कि इसको साफ कैसे रखें। अगर हम बाहर लेके जाए तो वो भी एक इशू रहता है कि इससे चांदी कम ना हो। ये जो मूर्ति है, ये देखिए आप कैसे लग रही है, दिख रही है आपको, इसका कलर कैसा हो यस चुका है। हाँ, जब हम ये मोदी केयर के सिल्वर डिप में डालेंगे, 2 से 5 मिनट, 2 मिनट में ही अपना काम करने वाला है, जो कालापन है वो पूरी तरह से खत्म होने वाला है। और ये जो सिल्वर डिप है, हम एक बार अगर यूज करें तो हम बार बार इसे यूज कर सकते हैं, जब तक ये जो लिक्विड है वो काला ना पड़ जाए। बहुत बार हम इसे यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने डाला था और कितना चमकीला हो गया ये, एकदम नए जैसा। और हम इसे हाथ क्या भी बात लगा है। सकते हैं, इसका केमिकल हमारे हाँ हाथों को कुछ परेशानी करने वाला नहीं है। और मैं ये कहूंगी, ये जो सिल्वर डिप है हमारा मोदी केयर का, ये सिर्फ हमारी चांदी नहीं चमकाता, ये हमारे किस्मत भी चमकाता है। और मैं और ये एक बात कहूंगी, यूज करो मोदी केयर का सिल्वर डिप और अपने सपनों को करवा लो लिप्ट। मस्त मस्त, बहुत क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है, सही में क्या बात है। एक एक प्रोडक्ट के डेमो दिख रहे हैं और पंचलाइन भी बन रही है, जबरदस्त जबरदस्त। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ एक दो प्रोडक्ट बाकी है जिनकी पंचलाइन बोलूंगी मैं, क्योंकि हमारे हाउस अभी भी कुछ पेंडिंग है। नहीं तो अनुराधा नेक्स्ट, जी, हो गया है, हो गया है, हाउस ओके ही हमारा पूरा ओके हो ओके गया। ओके ओके चलिए जो आगे बढ़ते हैं, आगे का सेशन मैं हैंडओवर करना चाहूंगी मीनाक्षी मैम को, क्योंकि हम लोगों ने तंबोला खेला और हमने देखा कि खेलते खेलते हम इस गेम को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, और नंबर भी निकला है, गिफ्ट भी मिल गए। लेकिन हमारी लाइफ में हमें अगर इस प्रोडक्ट घर में लाना है, बिजनेस को आगे करना है, तो हमारी लाइफ में एक परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन संसार का नियम होता है। तो इस नियम को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं, जो हमें समझाएंगे हमारे हमारी ग्रेट अपलाइन मीनाक्षी खुराना मैडम। ओवर टू यू मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच अनुराधा जी। सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाम मीनाक्षी कोरोना, बड़ौदा से हूँ और मोदी केयर में अभी जीआरडीडी लेवल पर हूँ। और अगर मैं मोदी केयर से पहले की बात करूँ तो सिंपल सी हाउसवाइफ थी, कुछ पता नहीं था बिजनेस होते क्या है। एक ही चीज पता थी, जहां पर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, जगह होती है, आदमी होता है, वही बिजनेस होता है। और मेरे पास ऐसा कुछ एजुकेशन नहीं था, इतना कुछ था भी नहीं, तो मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था कि मैं कुछ बड़ा करूंगी लाइफ में। बस एक बचपन से एक फीडिंग दी गई थी, एक सोच दी गई थी कि हाँ थोड़ा सा पढ़ लिख लो और बाकी की शादी करनी हो जाएगी, फिर बच्चे संभालना है, घर संभालना है, बस यही हमारी जिंदगी है। तो ये सब सोच छोटी सी थी तब से दी गई थी, और उसी सोच को लेकर मैं जी रही थी। शादी को 13 साल हो चुके थे, अच्छे घर में शादी हुई थी, तो एक आराम वाली जिंदगी भी जी रहे थे। दोपहर में 1:30 बजे एसी चालू करो, शाम को 5:30 6 बजे तक एसी में रहो, और फिर सुबह खाना बनाओ, शाम को खाना बनाओ, बस यही काम था। 13 साल मैंने यही लाइफ जी, और अचानक लाइफ में मोदी केयर आया। तो पहले तो मुझे पता नहीं था कि मोदी केयर है क्या। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रामदेव बाबा ने पतंजलि निकाला है, तो नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ मोदी केयर करके निकाला होगा। तो मेरी फ्रेंड ने जब मुझे मोदी केयर के बारे में बताया, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ बता दो क्या है। तो जब उसने डेमोन्स्ट्रेशन बताया तो डेमो देखकर तो मेरी आंखें चार हो गई थी कि हाय हाय, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। और प्रोडक्ट देखने के बाद जब मैंने उनका प्राइस देखा तो मैंने कहा इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट इस प्राइस में भी मिल सकते हैं, ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा था। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए, ट्राई किए, यूज किया, और जब बात आई बिजनेस करने की तो मैंने बिजनेस के लिए मना कर दिया था, क्योंकि जब ये बातें हम लोगों को बताई जाती है कि इससे कार मिलती है, फॉरेन ट्रिप मिलता है, ये है वो है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता। तो मुझे भी समझ में नहीं आया था पहले, तो सब ऊपर से गया मोदी कर, फिर कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए, प्रोडक्ट की क्वालिटी जबरदस्त थी। और फिर जब पहला कैशबैक आया तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा पहली बार जब मुझे मोदी केयर से कैशबैक आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ पैसा देना है मोदी केयर में। तो यकीन नहीं हो रहा था कि प्रोडक्ट लेने पर भी
हमें सब्सिडी मिलती है, तो वो एक अमेजिंग था। उसके बाद मैंने मेरी भाभी को बताया, मेरे नियर डियर लोगों को बताना स्टार्ट किया, देन मेरी धीरे धीरे इनकम बढ़ना चालू हो गई। तो मेरी पहली इनकम मोदी केयर से 24 रुपए थी, एक एक पूरे महीने की इनकम, और वो फिर धीरे धीरे बढ़ते 200, 400, 500, और हाईएस्ट पे और मैंने 4.5 लाख तक का लिया है मोदी केयर से। अभी तक की टोटल इनकम की बात करो तो 2 करोड़ से ज्यादा रुपए मैं ले चुकी हूँ। हम सभी हाउस वाइफ की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पूरा दिन किचन में रहते हैं, पर किचन की किसी भी चीज पर हमारा नाम नहीं होता है। अगर आप कढ़ाई उठाओ तो हस्बैंड का नाम, चम्मच उठाओ हस्बैंड का नाम, तपेली उठाओ हस्बैंड का नाम, हमारे नाम से हमारे घर में कुछ होता ही नहीं है। मात्र एक मोदी केयर ऐसा है जो हमें अपनी नाम की कार देता है, जो हमें अपने नाम, हाँ, जो हमें एक पासपोर्ट बनाना, पासपोर्ट एक कितनी बड़ी चीज होती है। मैंने पासपोर्ट ऐसा लगता था, जब मैं पहले सुनती थी कि पता नहीं क्या होगा पासपोर्ट, तो मैंने पासपोर्ट पर जब अपना मैंने नाम देखा तो थैंक यू मोदी केयर, जिसके कारण मेरा पासपोर्ट बना और उस पासपोर्ट पर मीनाक्षी खुराना लिखा हुआ है। मैंने फॉरेन ट्रिप की है, 5 फॉरेन ट्रिप। जब मैं पहली बार मोदी केयर की फॉरेन ट्रिप पे गई थी तो मैं बहुत रो रही थी, और मेरे साथ मेरे अप्लाइंस थे, ग्रुप था, तो वो बोले कि रो मत मीनाक्षी, कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ में हैं। मैं कहा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मुझे डर लग रहा है, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस हवाई जहाज में मैं बैठ सकती हूँ। सो वो पल अमेजिंग थे, आज भी जब मैं वो सब कुछ याद करती हूँ तो एक इमोशनल हो जाती हूँ। तो ये है मोदी केयर, और इसके लिए करना क्या है? तो जो हमारे खर्चे हैं, जो हम सामान बरसों से डिमांड बिग बाजार से ला रहे हैं, उसकी जगह मोदी केयर से लेना है। तो सच में मोदी केयर हमारे खर्चों को आमदनी में बदलता तो है, पर हमारे सपनों को भी पूरा करता है, हमें एक वो जीवन देता है, एक वो लाइफ देता है जो हर कोई जीना चाहता है। अभी हम लोग क्रूज से जाकर आए, मैं मेरी लाइफ में पहली बार अगर ट्रेन में बैठी तो मोदी केयर के कारण, अगर मैं मेरी लाइफ में पहली बार फ्लाइट में बैठी वो भी मोदी केयर के कारण, और पहली बार मैं शिप में बैठी, इतने बड़े क्रूज में बैठी, वो भी मोदी केयर के कारण। थैंक यू मोदी केयर, और सबसे बड़ा थैंक्स मेरी अपलाइन का, जिन्होंने मुझे ये भरोसा दिया कि तू कर सकती है, तू भी आगे बढ़ सकती है। और बहुत सारे सक्सेस लोगों को सुना था, मैंने सोचा इतने लोग सक्सेस हो सकते हैं तो मैं थोड़ा सा तो ट्राई करूं, तो थोड़ा सा अपने आप को धक्का मारा, सीखना स्टार्ट किया, और आज बहुत सारी इनकम, बहुत सारे अचीवमेंट, और अब खुद तो सक्सेस हो रही हूँ, टीम में बहुत सारे लोगों को भी सक्सेस बनाया है। तो कैसे मोदी केयर हमारी लाइफ में परिवर्तन लेकर आता है, कैसे हमारे खर्चों को इनकम में बदलता है, कैसे हमारे खर्चे हमारे सपनों में बदल जाते हैं, तो चलिए एक स्लाइड के थ्रू, एक पीपीटी के थ्रू मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग सक्सेस हो रहे हैं, और उस उन सक्सेस के साथ साथ कैसे उनके अचीवमेंट बढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, और स्क्रीन पर लिखा हुआ कि अपने खर्चों को आमदनी में बदले, अपने सपनों को अपने खर्चों से अपने ही सपनों को पूरा करें, तो अपने हमारे जो भी खर्चे हैं वो हमारी अगर आमदनी में बदल जाते हैं, और जो भी हमारी सेविंग होती है, जो भी हमारे बचत होती है, उससे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो चलिए कैसे सपने पूरे होते हैं देखिए। देखिए हमारे सपने होते क्या है, हमें एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी कार चाहिए, विदेश यात्रा हम लोगों को चाहिए, हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास अपना खुद का घर हो, पर एक बड़ा आलीशान बंगला हो जिसमें थिएटर हो, जिसमें स्विमिंग पूल हो, तो कैसा रहे। हमारे पास एक अच्छी कार हो सकती है, पर एक बड़ी लग्जरी कार जिसमें आप बैठ कर जाओ तो सारे के सारे लोग आपको देखे तो कैसा रहेगा। और ये दोनों चीज अगर हमारे पास है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को विदेश यात्रा जाने का भी, आई होप अभी की अगर हम लोग बात करें तो हर किसी को घूमने का शौक होता है। अगर हम लोग यहाँ से विदेश यात्रा जा सकते हैं, और अगर हमारे पास ये सब कुछ है उसके बाद भी अगर हमें मान सम्मान चाहिए, खुद की पहचान चाहिए, अगर मैं अपनी बात करूँ, घर था, गाड़ी थी, सब कुछ था, पर मान सम्मान नहीं था, तो मुझे मोदी केयर से बहुत सारा मान सम्मान भी मिला। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आपको ये यहाँ से मोदी केयर से मिल सकता है। अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं, जैसे अभी हम लोग क्रूज पर जाकर आए, फैमिली के साथ गई थी, 3 दिन बड़े मजे किए, बड़ा एंजॉय किया। और अगर सब कुछ आपके पास घर भी है, कार भी है, आप घूमने भी जा सकते हैं, आपके पास मान सम्मान भी है, आप अपने परिवार को सब कुछ दे भी पा रहे हो, उसके बाद अगर अपने पास ये जो चीजें हैं, अगर हम ये किसी और को देना चाहें, किसी और की हेल्प करना चाहें, तो ये अमेजिंग हो सकता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं मोदी केयर में आई थी तो मुझे बहुत सारी चीजें बताई गई थी, तो मैंने बोला सब कुछ है मेरे पास, मुझे मोदी केयर की जरूरत नहीं है वैसे। पर जब हेल्पिंग अदर्स, दूसरों लोगों की मदद करने के बारे में बताया गया, तो सबसे पहले दिमाग में मुझे मेरे भाई की
भाई का चेहरा दिखा था, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था पर मेरे भाई कहीं ना कहीं उस हालत में नहीं थे कि वो ये सारी चीजों को एंजॉय कर पाए। तो सबसे पहले मोदी केयर में अपने भाई के पास लेके गई थी। और आज अगर मैं बात करूँ तो एवरेज एवरेज 2-3 लाख रुपए महीना कमाते हैं। अभी हमारे साथ क्रूज पर आए थे, मोदी केयर से कार अचीव की है, मोदी केयर से 60 से 70 लाख रुपए का बंगला भी बनाया। तो ऐसे हम किसी और की भी हेल्प यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अगर हम लोग देखें तो करना क्या होता है, तो हमारी जो रोज की आदतें हैं, जो हम लोग रोजमर्रा जो काम करते हैं, उन्हीं काम को उन्हीं 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 आदतों को थोड़ा सा बदल कर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो हमारी आदतें क्या होती है, हम लोग अगर बात करें, हम लोग रोज सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, ये सारा काम हम लोग रोज उठकर करते हैं। और यही सारा काम कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो हम आ रहे आजू बाजू के लोग भी करते हैं। और यही सारा काम जो करने के लिए हमें जो सामान लगता है वो हम लोग कहीं ना कहीं से लेकर आते हैं। तो या तो हमारे पड़ोस में कहीं दुकान है, वहां से लेकर आते हैं, मॉल से लेकर आते हैं, और कहीं ना कहीं से हम लोग ये सारा सामान लेकर आते हैं। तो सिर्फ हमें अपनी आदत बदलना है कि जो सामान हम बाहर से लेकर आ रहे हैं वो सामान हमें सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर से लेना होता है। अगर हम ये सामान मोदी केयर से लेना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो चीजें चाहिए, घर, गाड़ी, बंगला, फॉरेन ट्रिप, मान सम्मान, वो सब कुछ हम लोगों को मिल सकता है। अगर हम लोग बात करें कि हमारे रोजमर्रा के सामान में कौन कौन, जो भी सामान हम लोग लेकर आते हैं या हमारे जीवन, जो भी डेली यूज में हम जो सामान लेते हैं उसकी एवरेज अगर हम लोग एक निकालते हैं तो यहाँ पर एक अमाउंट मैंने लिखा हुआ है। अगर हम लोग देखें, एक फैमिली है जिसमें 4-5-6 लोग हैं, और अगर उनके घर के खर्चे की बात करें तो मिनिमम 5,000 उनका घर खर्चा होता है। अब हम लोग एक व्यक्ति देखें तो एक व्यक्ति कम से कम 60-70 साल वो इन सामान को यूज करता है। तो अगर वो 70 साल ये सामान यूज कर रहा है तो टोटल अमाउंट कितना बनता है, आज तक हमने कभी लिखा नहीं है अपनी डायरी में कि हाँ इस महीने मैंने इतने का सामान लिया, इस महीने इतने का सामान लिया। पर अगर उसका कैलकुलेशन हम लोग इस स्क्रीन पर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम अपने पूरे जीवन काल में ये जो सामान है, बाहर से जो सामान लेकर आते हैं, वो कितने का आता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं 5,000 की, तो 5,000 रुपए का सामान अगर हम लोग 70 साल तक लेते हैं तो हमारा टोटल खर्चा बनता है 42 लाख रुपए। मतलब हमारी इनकम का कहीं ना कहीं एक बड़ा सा हिस्सा ये साबुन, शैम्पू, घी, तेल में जा रहा है। और उस 42 लाख में से अगर हम लोग देखें तो क्या प्रोडक्ट हम खुद बनाते हैं, हम जहां से प्रोडक्ट लेकर आते हैं वो खुद बनाते हैं? नहीं, एक चेन के थ्रू हमारे घर में प्रोडक्ट आते हैं और उसी चेन में हमारी इनकम का 70% पैसा चला जाता है। अब 42 लाख का 70% अगर हम लोग देखें तो 29,40,000 रुपये होता है, जो हमें पता भी नहीं होता है। अगर आज आज अपने जेब में से अगर आप 100 रुपये निकाल रहे हो तो उस 100 रुपये में से 70 रुपये किन किन लोगों के बीच में जाएंगे हमें पता नहीं होता है, और ना ही हमसे पूछा जाता है कि हाँ ये पैसे हम किसी को दे। अगर पूछा जाए तो ना, हम पहले ही मना कर देंगे। पर ये एक तरीका है हमारे घर में सामान आने का, जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। जो पहले हमारे पापा लाते थे, फिर हम लाने लगे, और अब हमारे बच्चे। तो सिर्फ हमें अपनी थोड़ी सी आदतें चेंज करना रहेगी। उसके बाद एक और अगर हम लोग देखें तो हो सकता है किसी के घर में दो हस्बैंड वाइफ हो, एक बच्चा हो, छोटी सी फैमिली हो, तो अगर उनके घर का खर्चा 3,000 है और वो सामान 70 साल तक अगर हमारे घर में आता है तो कहीं ना कहीं 25,20,000 रुपए का खर्चा हमारा बनता है यही घी, तेल, साबुन, शैम्पू का। और अगर उसका 70% पैसा देखे तो लगभग लगभग 17,64,000 रुपए ये जो बिचौलिए होते हैं जिनके थ्रू हमारे घर में प्रोडक्ट आते हैं, उनके उनके खाते में, उनके अकाउंट में, और उनके सपने पूरे करने में चला जाता है। तो अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग अपना अगर अपन हम लोग जो भी सामान बाहर से ले रहे हैं अगर वो मोदी केयर से लेंगे और वही पैसा अगर हमारे पास रिटर्न आता है, आप देखिए 29,40,000, तो अगर ये 29,40,000 अगर हमारे पास अभी होता तो हम शायद इसको बैंक में सेविंग करके रखते या गोल्ड लेते, या इतने में हम अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। ये 17 लाख रुपए की भी अगर हम लोग बात करें तो एक 2 BHK फ्लैट, अगर हम लोग बड़ौदा जैसी सिटी में बात करें तो यहाँ पर फ्लैट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी इनकम का 70% पैसा ये बिचौलियों के बीच में जा रहा है, और उसी पैसे को हम लोग बचा सकते हैं। तो आओ इन खर्चों को हम अपनी आमदनी में बदलते हैं। तो कैसे हमारी आमदनी में बदलेगा ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैन्युफैक्चरर होता है जो 35 रुपए में कोई चीज बनाता है। लाइक हम एग्जाम्पल के तरीके लेते हैं कि टॉयलेट क्लीनर,
₹35 में एक प्रोडक्ट बनता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है तो ₹45 का हो जाता है, होलसेलर के पास जाता है ₹60 का हो जाता है, रिटेलर के पास जाता है वो ₹75 का हो जाता है, और देन उसके बाद हमें जो पैसा पे करना रहता है वो करना रहता है ₹100। और कहीं ना कहीं इसमें एडवर्टाइजमेंट भी होती है, हमें कैसे पता चलेगा मार्केट में हार्पिक आया है, क्योंकि हम उसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो आज इसी इसी थ्रू हमारे घर में प्रोडक्ट आ रहा है, और इसी कारण हमारी कमाई का 70% पैसा इन बिचौलियों के बीच में जा रहा है। अब अगर हम लोग आगे देखें तो इन बिचौलियों को बाईपास करता है मोदी केयर, जो हमारी पुरानी परंपरा थी, जो पुराना ट्रेंड था उसको हमें छोड़कर अब डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हम आज मोदी केयर में जितने भी प्रोडक्ट्स लेते हैं उसमें मैन्युफैक्चर टू कस्टमर दो लोगों के बीच में डील होती है, और जो 70% पैसा इन बिचौलियों में बट रहा था वो कहीं ना कहीं ग्राहक को उसका फायदा मोदी केयर देता है। तो चलिए हम बात करते हैं मोदी केयर की। मोदी केयर है क्या? इतनी देर से हम मोदी केयर कर रहे हैं, तो मोदी केयर है क्या? तो मोदी केयर इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसको समीर मोदी सर द्वारा 1996 में स्टार्ट किया गया था, और हम लोग IDSA के हम लोग मेंबर भी हैं, IDSA का हम लोग फाउंडर मेंबर भी हैं। अगर हम लोग बात करें, हम हर हर 2000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हम लोग करते हैं, हमारे पास 14 कैटेगरी में लगभग लगभग 600-700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत सारे अवार्ड और रिवॉर्ड से हम लोगों को नवाजा गया है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट बड़े अमेजिंग है। और इन प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की बात करें कि ये प्रोडक्ट हमें मिलेंगे कैसे, तो आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं, आप इसको ऑफलाइन ले सकते हैं, बहुत सारी जगह होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, और 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स अवेलेबल हैं, जहां से आप अपनी जरूरत का सारा सामान मोदी केयर से ले सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं, मोदी केयर के फायदे क्या है, मोदी केयर से सामान लेने पर फायदे क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहला फायदा, यहाँ पर हम लोगों को MRP पे करना नहीं रहता है, यहाँ पर हमें DP प्राइस मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है, और डिस्काउंट की अगर हम लोग बात करें तो 10 से 20% का डिस्काउंट हमें मोदी केयर देता है। चलिए और आगे चलते हैं, सेकेंड बेनिफिट की बात करते हैं, तो सेकेंड बेनिफिट में हम लोगों को यहाँ पर मोदी केयर देता है रीपर्चेस ऑफर। रीपर्चेस ऑफर होता क्या है, हम अपनी जरूरत का सामान ₹1,000 का, जो भी अपनी जरूरत का सामान हम मोदी केयर से लेते हैं ₹1,000 का, तो हम लोगों को उस पर ₹100 का प्रोडक्ट फ्री आता है। तो 10% के रीपर्चेस के फ्री प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ 5 प्रोडक्ट लिए मोदी केयर के, सोफोस ले लिया, टॉयलेट क्लीनर ले लिया, फिनाइल ले लिया, ये ले लिया, वो लिया, और पांच मेरा जो बिल बन रहा है उसकी MRP 1,200 हो रही है, तो मुझे 1,200 नहीं देना है, मुझे तो 1,000 ही देना है। तो पहला फायदा ये हो जाता है कि हमें डिस्काउंट मिल जाता है, दूसरा फायदा कि ₹1,000 की खरीदी पर ₹100 का प्रोडक्ट हम लोगों को फ्री में मिल जाता है, तो है ना अमेजिंग। तो पहला फायदा डिस्काउंट, दूसरा है रीपर्चेस। अभी यहाँ पर खत्म नहीं होते हैं मोदी केयर के बेनिफिट, आगे हम लोग देखते हैं लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है ईमानदारी का, ईमानदार ग्राहक। देखो हम लोग बहुत सारी जगह से अपनी जरूरत का सामान लाते हैं, पर कहीं से भी लॉयल्टी रिवॉर्ड हमें नहीं मिलता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, हम 40 साल से एक ही जगह से दूध ला रहे हैं, अब मैं कल अगर उनको जाकर बोलूंगी कि आज का दूध मुझे फ्री दे दो, तो क्या देंगे? नहीं देंगे, मुझे तो पैसा ही पे करना है। तो सेम अगर हम लोग बात करते हैं मोदी केयर की, मोदी केयर के सिर्फ अगर हम 6 महीने तक ईमानदार ग्राहक बनते हैं तो मोदी केयर हमें एक अलग से रिवॉर्ड देता है। तो अगर हम मोदी केयर से 6 महीने तक लगातार ₹5,000 का सामान लेते हैं, तो 7वें महीने मोदी केयर हमें ₹5,000 का सामान फ्री देता है। अब आपने 7वें महीने मोदी केयर का सामान फ्री ले लिया, आपको मजा आ रहा है, उसके बाद उसको आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर आप 6 महीने और कंटिन्यू करते हैं, तो फिर आपको 5,000 का नहीं, आपको ₹10,000 का सामान फ्री मिलेगा। कहने का मतलब ये कि 6 महीने की खरीदी पर 1 महीने का सामान फ्री, और 12 महीने की खरीदी पर 3 महीने का सामान फ्री, मीन्स 25% तक का प्रोडक्ट हम लोगों को फ्री मिल जाता है। तो आप सोचिए कि अगर हम लोग ₹5,000 का सामान, अगर एक 6 महीने के बाद 5,000 का, फिर 6 महीने के बाद 10,000 का, तो ₹15,000 का सामान कहीं ना कहीं हमें फ्री मिलता है, और ये ₹15,000 हमारे सेविंग में और हमारे पॉकेट में चले जाते हैं। इसके आगे भी बहुत कुछ देता है मोदी केयर, तो सोने पे सुहागा है हमारा कैशबैक। तो मोदी केयर हमें अपनी खरीदी पर जो भी हमारे पॉइंट्स बनते हैं, हमारे BV बनते हैं, उस पर 7 से 16% का हमें कैशबैक देता है। तो हमारा जो सब्सिडी का लेवल है, कैशबैक लेवल है, वो 7%, 10%, 13%, 15% और 16% होता है। आपको यहाँ पर जिसने भी इनवाइट किया उनके उनके पास बैठकर आप इसको समझिए कि किस तरह से हम लोगों को यहाँ पर मोदी केयर कैशबैक देता है। तो चलिए
फर्क क्या है मार्केट से सामान लाने में और मोदी केयर से सामान लेने में, क्या क्या बेनिफिट हमें मोदी केयर देता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हम जनरली अगर बाहर से सामान ला रहे हैं तो ना तो गारंटी हम लोगों को मिलती है, ना डिस्काउंट मिलता है, ना ऑफर मिलता है, ना कैशबैक मिलता है, ना ही लॉयल्टी मिलती है, मीन सब जीरो। अब अगर हम लोग बात करें मोदी केयर की, तो मोदी केयर में 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ हम लोगों को प्रोडक्ट मिलते हैं। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो हम लोगों को 10 से 20% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है, हमने एवरेज यहाँ पर 15% लिखा है। 10% के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कैशबैक हमें 7 से 16% लिखा है, पर हमने एवरेज यहाँ पर 5% लिखा हुआ है। लॉयल्टी की बात करते हैं तो 25% की हम लोगों को लॉयल्टी यहाँ पर मिलती है। तो आप सोचिए 3,000 के सामने 1,605 रुपए का बेनिफिट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो 50% का फायदा, मतलब आपका साल का खर्चा अगर 1 लाख रुपए का है तो आप उसको 50,000 कर सकते हैं, और उस 50,000 से अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को स्कूटी है, गोल्ड है, एनिवर्सरी गिफ्ट है, या कहीं पर ट्रिप आप एंजॉय कर सकते हो। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हमें मोदी केयर देता है। अब मोदी केयर से पैसा कमाने के लिए करना क्या होता है, तो चलिए हम लोग जानते हैं करना क्या होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो फायदे हमें मिले हैं, जो फायदे हम ले रहे हैं, वही फायदे हमें अपने दोस्त, अपने पड़ोसी और अपने रिश्तेदारों को बताना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो मुझे बहुत अच्छे लगे मोदी केयर के प्रोडक्ट, तो मैंने मेरी भाभी के साथ शेयर किया, मेरी भाभी ने उनकी भाभी को बताया, उनकी भाभी ने उनकी भाभी को बताया, और मेरी वो भाभी वाली टीम में 20,000 भाभियां कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। तो अब हमारे खुद के दोस्त, हमारे बच्चे के दोस्त, हमारे स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, हमारे फेसबुक फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे हैं जिसके साथ हमें ये शेयर करना है। हमारे पड़ोसी, हमारे मायके के पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, तो मेरे रिश्तेदार, मेरे ससुराल वाले, मेरी ननंद के ससुराल वाले, मेरी भाभी के मायके वाले, मेरे भाई के ससुराल वाले, तो ऐसे हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं जिनको भी हम लोग जानते हैं, उनके साथ हमें ये अपॉर्चुनिटी शेयर करना है। जो बेनिफिट हमें मिल रहे हैं वही बेनिफिट हमको उनको बताना है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें इनकम कितनी ले सकते हैं, तो अनलिमिटेड इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह से वर्क करते हो, किस तरह से आप इस बिजनेस को देखते हो। आप तो यहाँ पर अगर हम लोग एक देखें, तो अगर हमें 10,000 लोगों की टीम हमने बना ली, या 10,000 घरों तक हमारा प्रोडक्ट अगर हमने पहुंचाया, हम पहुंचाने में समर्थ रहे, तो हमारी इनकम क्या बन सकती है। तो जब 10,000 लोग एवरेज अगर 2,500-2,500 रुपए का सामान भी मोदी केयर से लेते हैं, तो आपका जो बिजनेस बनता है, आपके जो बीवी बनते हैं, वो 1 करोड़ बनेंगे, आपका पॉइंट 1 करोड़ के आसपास बनेगा, और आपकी इनकम लगभग लगभग 10 लाख रुपए महीना होगी। अब ये 10,000 लोगों को इकट्ठा करने में, या 10,000 लोगों की टीम बनाने में अगर 2 साल लगे, 3 साल लगे, अरे मैं तो बोलती हूँ 5 साल भी लगे तो क्या खराब है। तो 5 साल के बाद भी हम लोग यहाँ से 10 लाख रुपया महीना ले सकते हैं। अगर मैं मेरी अपलाइन की बात करूँ, अल्पेश सर हैं, तो उन्होंने बहुत जल्दी 10 लाख रुपए महीने पर पहुंच गए थे। तो यहाँ पर हम डिपेंड करता है कि हम किस तरह से वर्क करते हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो आज ही अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी की लिस्ट बनाइए और उनको मोदी केयर के बारे में बताइए, कैसे कैसे लोग मोदी केयर में सफल हो रहे हैं। तो हाउस वाइफ लाखों रुपए की महीने की इनकम ले रही है, जैसे सुरेखा भार्गव मैम की अगर हम लोग बात करें, एक सिंपल से हाउस वाइफ थी, आज मोदी केयर से 1.25 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। स्टूडेंट भी यहाँ पर अपनी पढ़ाई के साथ में अपने परिवार को हेल्प करने के लिए, अपनी पॉकेट मनी के लिए मोदी केयर को पार्ट टाइम में कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब वाले अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम में मोदी केयर को कर रहे हैं। सरकारी नौकरी वाले भी पार्ट में मोदी केयर को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी पार्टनर हैं जो रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। कुछ प्रोफेशनल हैं जो अपने फ्यूचर को एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं, जो मोदी केयर को कर रहे हैं। और 18 साल से ऊपर का हर एक व्यक्ति मोदी केयर कर सकता है। और बहुत सारे सक्सेस स्टोरी हमारे पास हैं, अगले सफल व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। तो आइए मिलकर मोदी केयर करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच लीडर्स, ये हमारी अपॉर्चुनिटी थी, ये हमारा मोदी केयर था। बड़ा सिंपल बिजनेस है, सीखना और सिखाना, धरती का मात्र एक ऐसा बिजनेस है मोदी केयर, जिसको हम करते करते सीख सकते हैं और सीखते सीखते लाखों की इनकम ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू अनुराधा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, ओवर टू यू।
जी मैम, थैंक यू सो मच. आपने इतने बेहतरीन तरीके से बताया कि मोदी केयर को कैसे करना है और कितना सिंपली आपने हर वो वर्ड को क्लियर किया. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे कुछ लीडर्स हैं जो अपने बारे में बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से यहाँ से सक्सेस हासिल किए. सबसे पहले मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगी जावेद अकरम सर को, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं. वेलकम एंड ओवर टू यू सर. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. और मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो. यस सर, क्लियर है, जी क्लियर है. अच्छा, थैंक यू सो मच. मैं सबसे पहले थैंक्स बोलूंगा हमारे ग्रेट लीडर जिन्होंने एक फरिश्ते के रूप में आए हमारे लाइफ में और मोदी केयर में मुझे इस लायक बनाया. ऐसे ग्रेट लीडर मिस्टर अल्पेश गर्जर सर को थैंक्स बोलूंगा. और आज का सेशन जो मैडम ने लिया है, मीनाक्षी मैम, मैं उनको थैंक इसलिए बोलूंगा कि वो कई बार हमारी टीम में मुंबई आती है और हम लोग जो आज सक्सेस है, हमारी टीम जो बहुत स्पीड से चल रही है, तो मैम का बहुत बड़ा योगदान है. और स्पेशल थैंक्स क्योंकि वो अपनी समय को निकाल के हमारे लिए आती है. तो थैंक यू मीनाक्षी मैम, ऑल ऑफ यू जितने भी लोग ज्वाइन हैं. बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और लगभग नॉर्मली बात कर रहा हूँ, मुझे समय की ज़्यादा टाइम नहीं है. तो एक 16 साल की उम्र में मुझे एक चीज़ पता चल गया था कि घर की परिस्थिति, ज़्यादा उम्र बड़ी नहीं थी बट इतना समझ मुझे आ रहा था कि घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है और पैसे के लिए आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा था. कभी रूम को लेके, कपड़े को लेके, राशन को लेकर के, कभी आपसी तालमेल में, कभी रिश्तेदार लोग वापस मांगने के लिए. तो बहुत छोटा सा बच्चा था उस समय. एक माइंड में, एक बोलते हैं ना, बहुत कम उम्र में जब सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चला जाता है तो वो एक याद लाइफ टाइम के लिए मेमोरीज बन जाती है. तो मुझे एक चीज समझ में आ गया था कि हम लोग एक गरीब इंसान हैं और हम लोग इसी तरह से पूरी जिंदगी जीना पड़ेगा. और उससे भी तकलीफ तब होती थी जब हमारे पेरेंट्स को देखने के बाद बहुत एडजस्टमेंट होता था. तो मन में एक इच्छा थी और एक सोच था कि जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है. और इसलिए मैं किसी भी तरह 10 कंप्लीट हुआ, जिसको हम लोग बिहार में मैट्रिक बोलते हैं, आप HSC बोल सकते हैं. और मम्मी बोली कम से कम इतना पढ़ लो बेटा, जरूरी है. किसी तरह एडजस्टमेंट करके हम वो पढ़ाई कंप्लीट की है. और नॉर्मली बिहार से जॉब करने के लिए सारे सारे लोग कलकत्ता जाते हैं कि वहां से हमारा लगभग काफी पास है, तो सब लोग वहां जाते हैं. लेकिन मैंने मुंबई चूज किया बिकॉज उस उम्र में मुझे एक चीज पता था कि मुझे जिंदगी में कुछ तो बनना है, कुछ करना है. तो जॉब तो करना था बट ऐसा नहीं करना था कि बस बस इसी तरह से गाड़ी चलते रहो, जिंदगी में मैं दाल रोटी और जिंदगी भरता रहूं. तो सोच पहले से ही कुछ थी बट रास्ता कुछ नहीं था, कैसे होगा ये पता नहीं था, है ना. क्योंकि मार्केट में दो ही ऑप्शन है रियली में, कि आपको अगर किसी बिजनेस में महीने का 3-4 लाख रुपया कमाना है तो करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, जो मेरे पास नहीं थे. अगर किसी प्रोफेशन में, किसी जॉब में आपको 3-4 लाख रुपया सैलरी चाहिए तो मेरे पास उतनी डिग्री नहीं थी. और मुझे एक चीज मालूम था कि कुछ करना है लेकिन वे मेरे लिए कुछ नहीं था. तो मैं बिहार से मुंबई आया और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की रिपेयरिंग का काम, मैंने पढ़ाई भी इसकी चालू किया और प्रैक्टिकल भी चालू किया. और 400 रुपये के पगार से मेरी जिंदगी में ये मौका मिला, 400 की पगार से. तो आज थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जॉब करते 10 साल जॉब किया और लाइफ में कुछ नहीं था, बस जिंदगी चल रही थी. मोदी केयर मेरे लाइफ में आया जैसे मैंने बताया और इस बिजनेस को मैंने दिल से किया. और मुझे प्राउड होता है आज इस बिजनेस से. लगभग मैं ब्लैक डायमंड हूँ और लगभग 3.5 लाख की पे आउट ले रहा हूँ. 4-5 महीना पहले मैंने इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से 2 BHK फ्लैट लिया मुंबई में, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है, जिसकी ओपनिंग करने के लिए हमारे ग्रेट लीडर अल्पेश सर भी आए थे. तो थैंक यू ऑल ऑफ यू. आप सारे लोगों की हमारी ब्लेसिंग और साथ में है इस बिजनेस को जी दिल से थैंक कीजिए, यू. हम सब आपके साथ हैं. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय जी मोदी. जी 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 थैंक यू सो मच सर. नेक्स्ट मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारे लीडर जो है लूना राम सेन जी. वेलकम एंड ओवर टू यू सर. जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड थैंक मॉर्निंग. यू. मेरा नाम, हाँ, ओके, माई सेल्फ लूना राम सेन, मुंबई ब्लैक डायमंड डायरेक्टर. और सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, खास करके आज जूम मीटिंग पे इनवाइट करने के लिए स्पेशल थैंक्स सुरेखा मैम और पूरी टीम को. ओके, आज से 18 महीना पहले मोदी केयर मेरी ज्वाइनिंग हुई है. मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अकरम जावेद सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा. 18 महीना पहले अकरम सर का कॉल आया और मुझे बताया कि, क्योंकि अल्पेश सर का नाम मोदी केयर में आने से पहले ही मैंने सुन के रखा था और सर ने बताया कि
अल्पेश सर आने वाले हैं मुंबई और मीटिंग करना है। फिर अल्पेश सर से हमारी मुलाकात हुई आज से 18 महीना पहले, 18-19 महीना पहले, और हमने मोदी केयर को अच्छे तरीके से समझा, शुरुआत किया। सबसे पहले हमने मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज किए, हमें बहुत ही बढ़िया लगा। और फिर प्लान को समझने के बाद में 1 सितंबर 2022 के दिन हमने काम करने का निर्णय लिया। और इस बिजनेस में मैंने आते ही टारगेट बनाया कि मुझे कुछ भी करके हर हाल में महीने की 50,000 रुपये इनकम तक पहुंचना है। 50-60 हज़ार रुपये की इनकम का टारगेट बना के मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया कि मुझे शुरू में 50-60 हज़ार रुपये इनकम हर हाल में चाहिए। मैंने तरीके से काम किया, पहले महीने हुआ, दूसरे महीने में मुझे मोदी कर से इनकम आई 30,000 रुपये, तीसरे सर आपकी महीने आवाज ब्रेक हो रही है। में 50,000 रुपये। ओके अभी आ रही, क्लियर? हेलो जी 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 कंटिन्यू कीजिए सर आप। जी। ओके ओके 1 सेकेंड। चौथे महीने की मोदी केयर से इनकम 1 लाख प्लस चली गई, और आज मुंबई के साथ साथ गुजरात, राजस्थान, हर जगह हम लोग टीम को बिल्ड कर रहे हैं। मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि 5 मिनट ही शेयरिंग करने का मौका मिला है, तो मैं जितने भी हमारे जो आज नए प्रोस्पेक्ट जुड़े हुए हैं परिवर्तन मीटिंग में और पुराने जितने भी कंसल्टेंट हैं, उन सबको मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, हम लोग मोदी केयर में जुड़ने के बाद में लगातार मेहनत किए, रोजाना डेमो किए, और यहाँ पर स्लोगन है जो रोज डेमो, जो करेगा रोज डेमो उनका होगा, जो करेगा डेमो रोज उनका होगा बिजनेस ग्रोथ। हमने रेगुलर डेमो किया, रेगुलर प्लान किए, खुद का बिजनेस समझ के कंटिन्यू मेहनत किया, उसका नतीजा आज बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो लीडर्स, आपने देखा कि आज हमारे कितने सारे लीडर्स थे। आज हमने तंबोला खेलते खेलते मोदी केयर बिजनेस को देखा, मोदी केयर बिजनेस को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, घर गाड़ी बंगला मान सम्मान लाखों की इनकम आपने देखी, और हमारी सक्सेस स्टोरी देखी। हमारे प्रोडक्ट अमेजिंग है। तो आइए, किस चीज का वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, मिलकर मोदी केयर करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। और कल लीप पर हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं हमारे सुरेखा मैम, जिनसे हजारों लोग सीखकर, हजारों हाउसवाइफ सीखकर आज अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ उनसे सीखकर महीने का 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना कमा रही है। तो कल आज हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं सुरेखा मैम, तो हम उनसे सीखेंगे कि इस बिजनेस में फास्ट ग्रोथ कैसे करना है, कैसे 1.25 करोड़ रुपए महीना हमें कमाना है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू।